जहरीली शराब बनाकर बेचने वाले 6 आरोपियों को तेजाज नगर पुलिस ने पकड़ा है। पकड़ा आरोपी स्प्रिट से कच्ची शराब बनाकर उसे पैक कर बेचने की फिराक में थे। खास बात तो यह है कि आरोपियों के पास शासकीय लाइसेंस दुकान की देसी मदिरा शराब की बोतलों पर लगने वाले 3000 से ज्यादा ढक्कन भी मिले हैं। मामला तेजाजी नगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आमीन इरफान अमजद बड़वा से और राहुल गौड़ कैलाश व बंटी गौड़ इंदौर से मिलकर अवैध कच्ची शराब बेचने का काम करे। ये स्प्रिट से अवैध नकली शराब बनाकर उसे पैक कर शहर में बेचने की फिराक में है, जिससे इन्हें ज्यादा फायदा होगा। सूचना के आधार पर पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को पकड़ा। पुलिस को इनके कब्जे से बड़ी मात्रा में शराब बनाने के काम आने वाली सामग्री के साथ शराब की बोतल पर लगने वाले सरकारी ढक्कन भी मिले हैं। पुलिस ने सभी के खिलाफ आबकारी एक्ट का मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है, जिसमें और भी खुलासे होने की उम्मीद है। तेजाजी नगर पुलिस ने विगत रात्रि में 6 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है खंडवा रोड से, और ये आरोपी जो है अवैध शराब के धंधे में संलग्न थे और ये लगातार कच्ची शराब और देसी शराब अवैध रूप से विक्रय करते थे। और इनके पास से अब ये इनकी योजना ये थी कि ये स्प्रिट के माध्यम से देसी नकली शराब बनाकर बेचने की इनकी योजना थी, उसके लिए ये लोग सामग्री एकत्रित कर रहे थे। इसमें 3 आरोपी बड़वा के हैं, जिनका नाम है आमीन इरफान और अमजद, और 3 आरोपी जो है वो राहुल गौड़ और कैलाश यादव बंटी गौड़, ये आरोपी जो है वो इंदौर के हैं। ये लोग मिलकर, और एक और आरोपी था सुनील काला जो भाग गया है, और ये सभी मिलकर जो है वो अवैध रूप से नकली शराब बनाकर इनकी योजना थी, और उसी तारतम में मुखबिर से सूचना मिली और पुलिस ने जब इनको पकड़ा तो इनके पास से बड़ी मात्रा में अवैध शराब और बॉटल के जो ढक्कन इस्तेमाल किए जाते हैं MP एक्साइज के लिखे हुए जो डिस्लरी में यूज़ होते हैं, वो ढक्कन भी इनके पास से 3000 बरामद किए गए हैं। और भी विवेचना की जा रही है, जिसमें आरोपी सुनील काला और भी इससे संबंधित लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।